हाय एवरीवन, पी ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ रहे थे हम लोग ग्रुप 15 एलिमेंट्स के बारे में, और इसमें जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स देख चुके थे, एनामिलस बिहेवियर ऑफ नाइट्रोजन देख चुके थे। अब कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें, और उसमें से सबसे पहला है रिएक्टिविटी टुवार्ड्स हाइड्रोजन। ग्रुप 15 के जितने भी एलिमेंट्स हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मत, वे सभी हाइड्रोजन से रिएक्शन करते हैं और हाइड्राइड्स का फॉर्मेशन करते हैं। वे सभी नाइट्रोजन से रिएक्शन करके हाइड्राइड्स का फॉर्मेशन करते हैं। जनरली दो प्रकार का हाइड्राइड्स बनता है, लेकिन जो मोस्ट कॉमन हाइड्राइड है वह MH3 टाइप का हाइड्राइड। हाइड्राइड मतलब जिसमें एच नेगेटिव के रूप में प्रेजेंट हो। हालांकि सबके केस में ऐसा नहीं है। हम लोग जानते हैं कि जो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 2.2 है ऐसा। लेकिन ग्रुप 15 के एलिमेंट की यदि बात करें, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मत, तो इसका तो हम लोग देखे थे कि 3.0, चलो हाइड्रोजन से ज़्यादा है इसमें। तो जब हाइड्रोजन से ज़्यादा है तो हाइड्रोजन तो यहाँ पॉजिटिव के रूप में रहेगा और ही रहेगा नेगेटिव के रूप में। तो यहाँ नाइट्रोजन का हाइड्राइड बोलना इसको बड़ा सही नहीं होगा, क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन नेगेटिव फॉर्म में नहीं बल्कि पॉजिटिव फॉर्म में रहेगा। जैसे इसका हाइड्राइड आप क्या बनाओगे, NH3, इसका क्या बनाओगे, PH3, ASH3, SBS3 और BIS3। तो आप आर्सेनिक हाइड्राइड है, एंटीमनी का हाइड्राइड है, बिस्मत का हाइड्राइड है, फास्फोरस का हाइड्राइड है, लेकिन आप इसको नाइट्रोजन का हाइड्राइड बोलो, ये थोड़ा अजीब है। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में भाई नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो इस पर नेगेटिव और हाइड्रोजन पे पॉजिटिव होगा ना, और जब हाइड्रोजन पे पॉजिटिव होगा तो फिर उसको हाइड्राइड बोलना ठीक नहीं होगा। खैर, तो ग्रुप 15 एलिमेंट्स जनरली MH3 टाइप के हाइड्राइड्स बनाते हैं, जिसमें से हम लोग लिखे NH3, PH3। नाम की बात करें तो NH3 का नाम पता है हम लोग को, अमोनिया। PH3 इज फॉस्फिन, दिस इज आर्साइन, दिस इज अस्टिमाइन एंड दिस इज बिस्मुथाइन। अच्छा, इसमें से नाइट्रोजन का कुछ और हाइड्राइड्स हैं, जैसे N2H4, जिसको हम लोग हाइड्राजीन के नाम से जानते हैं। वैसे ही आप यहाँ P2H4 बना सकते हो, डाइफॉस्फिन। वैसे ही आप यहाँ AS2H4 बना सकते हो, डाई आर्साइन, ऐसे करके। लेकिन जो मोस्ट कॉमन है वे MH3 टाइप वाले हाइड्राइड्स हैं, NH3, PH3 वगैरह। और यही MH3 टाइप के जो हाइड्राइड्स हैं, इन्हीं के बारे में हम लोग को पढ़ना है। इसमें से नाइट्रोजन का एक और इम्पॉर्टेंट है हाइड्राइड HN3, जिसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोजन एजाइड, या इसी को हम लोग बोलते हैं हाइड्राजोइक एसिड। बहुत इंपॉर्टेंट है, हाइड्राजोइक एसिड का फॉर्मूला पूछता है एग्जाम में, तो HN3। स्ट्रक्चर की यदि बात करें HN3 का, लेविस स्ट्रक्चर, तो देखो एजाइड आयन हम लोग बोलते हैं इसको। ये जो है एजाइड आयन, N डबल बॉन्ड N, दो इलेक्ट्रॉन माइनस प्लस, फिर यहाँ ऐसे माइनस, दिस इज N3-, एजाइड आयन है, एजाइड आयन इसको हम लोग बोलेंगे। इसी में जब आप हाइड्रोजन जोड़ दोगे HN3, तो ये हाइड्रोजन एजाइड या हाइड्राजोइक एसिड कहलाएगा। तो हाइड्रोजन को आप जोड़ोगे तो हाइड्रोजन को कहीं भी जोड़ दो, जैसे यहाँ जोड़ोगे तो इसका नेगेटिव हट जाएगा और ये हो जाएगा ऐसे HN, फिर N प्लस रहेगा, डबल बॉन्ड N माइनस, दिस इज हाइड्राजोइक एसिड। ऐसा, तो हाइड्राजोइक एसिड याद रखोगे,
नाइट्रोजन का हाइड्राइड है, हालांकि हाइड्राइड बोलना सही नहीं है, पहले ही बताया, इसलिए उसका नाम देख रहे हो हाइड्रोजन एजाइड लिखे हैं, नाइट्रोजन हाइड्राइड नहीं लिखे हैं, क्या लिखे हैं, हाइड्रोजन एजाइड लिखे हैं। आई डी तब लगता है जब नेगेटिव चार्ज हो, तो ओवरऑल इस पर नेगेटिव चार्ज है इसलिए आई डी ई लगा है। तो ये सभी कॉमन एम एस थ्री टाइप के हाइड्राइड्स। अब हम लोग बात करते हैं इन हाइड्राइड्स के प्रॉपर्टीज की। प्रॉपर्टीज ऑफ MH3 टाइप हाइड्राइड्स, सबसे पहला स्ट्रक्चर की बात करें तो देखने में तो सब एक ही जैसा है, NH3 लिखो चाहे PH3 लिखो चाहे ASH3 लिखो SbH3 लिखो या फिर आप बिस्मथ वाला लिखो। अब NH3 के शेप की बात करें तो हम लोग जान रहे हैं कि NH3 में जो नाइट्रोजन है वह sp3 हाइब्रिडाइज्ड है और जो इसका शेप होता है वह एंगुलर शेप होता है। एंगुलर नहीं, इसको हम लोग ट्राइगोनल पिरामिडल शेप बोलेंगे, ट्राइगोनल पिरामिडल शेप बोलेंगे ऐसा। तो क्या बाकी हाइड्राइड्स के भी ऐसा ही स्ट्रक्चर होंगे? सारे हाइड्राइड्स का ट्राइगोनल पिरामिडल स्ट्रक्चर होगा या कुछ अलग होगा? तो नहीं। हाइब्रिडाइजेशन जब हम लोग पढ़ रहे थे केमिकल बॉन्डिंग में, तो उसमें डिटेल किए थे कि हाइब्रिडाइजेशन कौन से मॉलिक्यूल्स में होता है, कौन से मॉलिक्यूल्स में नहीं होता है। इन बातों को हम लोग अच्छे से जो है डिस्कस किए थे वहाँ, और उसमें से देखे थे कि जो सेकेंड पीरियड के एलिमेंट हैं उनको छोड़ दिया जाए तो बाकी जो एलिमेंट्स होते हैं वे हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड जब बनाते हैं तो वे हाइब्रिडाइज नहीं करते हैं, और ऐसे मॉलिक्यूल को हम लोग क्या बोलते हैं, ड्रैगो मॉलिक्यूल। ऐसे मॉलिक्यूल को क्या बोलते हैं हम लोग, ड्रैगो मॉलिक्यूल। तो NH3 को छोड़ करके बाकी सभी ड्रैगो मॉलिक्यूल हैं। ड्रैगो मॉलिक्यूल मतलब इनमें हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा, एनर्जी फैक्टर के चलते, एनर्जी कंसिड्रेशन के आधार पे चलोगे तब क्लियर होता है, जो हाइब्रिडाइजेशन में हम लोग डील कर चुके हैं तो वहाँ अभी डिस्कशन हम लोग ऐसा नहीं करने वाले हैं। तो NH3 sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, सेफ ट्राइगोनल पिरामिडल, बाकी का भी वैसा होना चाहिए लेकिन होता नहीं है, और यह पता चलेगा बॉन्ड एंगल के आधार पर। यदि सबका बॉन्ड एंगल की बात करो, बॉन्ड एंगल, तो अमोनिया का हम लोग जानते हैं 107 डिग्री 48 मिनट, PH3 का जाओगे 93.5 डिग्री, जिसको 94 के आसपास भी लिखा जा सकता है, 91.8 डिग्री, 91.3 डिग्री एंड दिस इज 90 डिग्री। BH3 का 90 डिग्री एंगल है, इसका मतलब आप समझ रहे हो कि ऐसा है, और इसका जो यहाँ लोन पेयर है, दिस लोन पेयर इज इन 6s ऑर्बिटल, जबकि अमोनिया का ही जो लोन पेयर है दिस इज इन sp3 ऑर्बिटल, हाइब्रिड ऑर्बिटल। जैसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि BiH3 में जो बिस्मत का लोन पेयर है और NH3 में जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है क्या अंतर है उसमें, तो NH3 में जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है वह sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में है, जबकि BiH3 में जो बिस्मत का लोन पेयर है वह 6s ऑर्बिटल में है, वह कोई हाइब्रिड ऑर्बिटल में नहीं, इसलिए जो सारा एंगल है वह 90 डिग्री है, क्योंकि रिपल्सन करेगा सब तरफ एक जैसा, एंगल 90 डिग्री होगा। तो डाउन दी ग्रुप जाने से एक चीज़ जो हम लोग यहाँ ऑब्जर्व कर रहे हैं कि एंगल डिक्रीज कर रहा है, तो यह एक्सप्लेनेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हाइड्राइड्स के केस में क्यों डाउन दी ग्रुप जाने से एंगल डिक्रीज करता है, एंगल घटता क्यों है। और स्ट्रक्चर वाला तो बात हम लोग देख लिए कि अमोनिया का होगा ट्राइगोनल पिरामिडल, और जैसे जैसे जाओगे तो वह शेप ऐसे बिगड़ते जाएगा, इसका हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा, हाइब्रिडाइजेशन केवल इसी में होगा, ये सब अनहाइब्रिडाइज्ड मॉलिक्यूल्स हैं जो ड्रैगो मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं। अब
एंगल की हम लोग डिस्कशन करें कि क्यों डाउन द ग्रुप जाने से एंगल घट रहा है। बड़ा क्यूरियस एक्सप्लेनेशन है, समझना ध्यान से। NH3 का शेप ऐसा और PH3 का शेप ऐसा, ऑलमोस्ट एक जैसा लग रहा है देखने में। नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.0, हाइड्रोजन का हम लोग 2.1 या 2.2 लिखते हैं, टी हाइड्रोजन का भी यही है और फास्फोरस का भी 2.1। तो फॉस्फीन में फास्फोरस हाइड्रोजन के बीच बॉन्ड है, फास्फोरस हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम, और जब फास्फोरस हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है तो क्या होगा कि जो यहाँ बॉन्ड पेयर है वह ऑलमोस्ट मीन पोजिशन पर लाई करेगा ऐसा। इसमें क्या है कि नाइट्रोजन हाइड्रोजन के बीच बॉन्ड है तो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन पेयर नाइट्रोजन की तरफ लाई करेगा ऐसा। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि NH3 में बॉन्ड पेयर नाइट्रोजन के रीजन में है जबकि PH3 में बॉन्ड पेयर फास्फोरस से दूर है, ऑलमोस्ट मीन पोजिशन पर है। तो जब ऐसे इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम के तरफ लाई करते हैं तो क्या होगा कि यहाँ इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन अधिक होगा, और जब इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन अधिक होगा तो ये इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और जब रिपेल करेंगे तो बॉन्ड थोड़ा फैलेगा, जबकि यहाँ का जो बॉन्ड है वो बॉन्ड पेयर दूर है तो यहाँ फैलेगा, तो यहाँ जो है फैलेगा नहीं बॉन्ड। तो एक तो आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि यहाँ बॉन्ड पेयर का रिपल्सन ज़्यादा हो रहा है इसलिए एंगल ज़्यादा होगा, यहाँ बॉन्ड पेयर का रिपल्सन कम है। दूसरा कि यहाँ लोन पेयर प्रेजेंट है, थी लोन पेयर का भी तो रिपल्सन होगा, मतलब यहाँ लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन भी हो रहा है और बॉन्ड पेयर यहाँ भी वही है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन हो रहा है और बॉन्ड पेयर रिपल्सन हो रहा है। तो इसका एंगल कम है, इसका मतलब यहाँ लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन ज़्यादा है, ई वाला रिपल्सन ज़्यादा है तो बॉन्ड सटेगा, और बॉन्ड पेयर रिपल्सन कम। लेकिन यहाँ उल्टा है, यहाँ लोन पेयर बॉन्ड पेयर का रिपल्सन जो है कम है और बॉन्ड पेयर रिपल्सन ज़्यादा है। तो जब लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन ज़्यादा हो तो एंगल घटता है, और बॉन्ड पेयर रिपल्सन ज़्यादा हो तो एंगल बढ़ता है। तो इसी के आधार पे तो हम लोग देखें कि NH3 में लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन कम, बॉन्ड पेयर रिपल्सन ज़्यादा तो एंगल अधिक, PH3 में लोन पेयर बॉन्ड पेयर ज़्यादा और बॉन्ड पेयर रिपल्सन कम, तो इस केस में एंगल क्या हुआ, डिक्रीज कर गया। वैसे ही आप बाकियों को कंपेयर कर सकते हो, आर्सेनिक वाला है, एंटीमनी है, बिस्मथ है, तो जैसे ही आप डाउन दी ग्रुप जाओगे तो डाउन दी ग्रुप जाने से क्या होता है कि एलिमेंट का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटता है। डाउन दी ग्रुप जाने से जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम, वो घटेगा, डिक्रीज करेगा, और जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेंट्रल एटम का डिक्रीज करेगा तो याद रखिएगा उस केस में कि लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन बढ़ते जाता है, और जब लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन बढ़ते जाएगा तो क्या होगा, एंगल धीरे धीरे घटते जाएगा। तो डाउन द ग्रुप जाने से सेंट्रल एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटता है, सेंट्रल एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटने से लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन बढ़ता है, तो क्या होगा, बॉन्ड सटते जाएगा और यह एंगल धीरे धीरे डिक्रीज करते जाएगा। अब यदि यहाँ NH3 को आप कंपेयर करोगे एक दूसरा sp3 हाइब्रिडाइज्ड मॉलिक्यूल जिसमें कोई लोन पेयर नहीं है, जैसे CH4 ऐसा, तो ये नॉर्मल टेट्राहेड्रल बॉन्ड एंगल होता है 109 डिग्री 28 मिनट, और यहाँ का एंगल आप बता रहे हो 160 डिग्री 48 मिनट, हाइब्रिडाइजेशन सेम है, तो इसके तुलना में कम क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ लोन पेयर है ही नहीं, और यहाँ लोन पेयर आ गया
तो यहाँ लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन भी होगा और बॉन्ड पेयर दोनों, और यहाँ केवल बॉन्ड पेयर रिपल्सन होगा, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन नहीं होगा। तो हम क्या बोले कि जब भी लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन आए तो एंगल घटता है, और बॉन्ड पेयर रिपल्सन हो तो एंगल बढ़ता है। तो यहाँ केवल बॉन्ड पेयर रिपल्सन है, जबकि यहाँ बॉन्ड पेयर के अलावे लोन पेयर रिपल्सन आ गया। तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन आने के चलते इसका एंगल क्या होगा, इससे थोड़ा कम, और यहाँ लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन और ज़्यादा हो गया तो इसका एंगल और भी कम हो जाएगा। और लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन ज़्यादा कब होगा, जब एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगा। तो ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप द बॉन्ड एंगल ऑफ हाइड्राइड्स डिक्रीजेज ड्यू टू इंक्रीज ऑफ लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन एंड डिक्रीज ऑफ बॉन्ड पेयर रिपल्सन एंड इट्स ऑल ड्यू टू द डिक्रीज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। तो इसको आप याद रखोगे अच्छे से। उसके बाद बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्राइड्स, बेसिक स्ट्रेंथ, देखो जो MH3 टाइप के हाइड्राइड्स हैं ग्रुप 15 के, इसमें सेंटर एटम पे है एक लोन पेयर, तो लोन पेयर इसके चलते क्या करेगा कि इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर का काम कर सकता है, चाहे प्रोटॉन एक्सेप्टर का काम कर सकता है, और इन दोनों कारणों से यह बेस होगा। इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है तो लेविस बेस कहलाएगा, और यदि प्रोटॉन एक्सेप्टर है तो ब्रोंस्टेड बेस कहलाएगा। तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर और लोन पेयर ऑन द सेंट्रल एटम ऑफ हाइड्राइड्स ऑफ टाइप MH3 ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स, दे हैव अ टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर और टू एक्सेप्ट H+ आयन एंड हेंस दे एक्ट एज बेस। जनरली हम लोग इसका लेविस बेस वाला कंसेप्ट यूज करते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर वाला। तो यदि बेसिक स्ट्रेंथ की आप बात करोगे, मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर एबिलिटी का, तो क्या होगा, देखो NH3 PH3 ASH3 SBS3 BIS3 सब में सेंट्रल एटम पे लोन पेयर है, ऐसा सब में, तो सब में लोन पेयर है एकक, तो सब एक ही जैसा बेसिक होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। अब हम लोग को देखना ही है कि यह जो लोन पेयर है ना, या लोन पेयर डोनेटिंग एबिलिटी किसका ज्यादा होगा। ये सभी बेस का काम कर रहे हैं लोन पेयर होने के चलते नहीं, बल्कि लोन पेयर डोनेट करने के चलते। तो जो आसानी से अपना लोन पेयर डोनेट करेगा भाई, वह स्ट्रांग बेस होगा। और आसानी से लोन पेयर कौन डोनेट करेगा, तो जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगा, ज्यादा होगा, अधिक होगा। तो अभी हमने क्या बताया कि NH3 में आप यदि देखते हो, और एक लास्ट आप BH3 की बात करो, छोड़ दो बीच वाला को, तो इसका तो 90 डिग्री था ना, तो आप इसको ऐसे दिखाओ, ऐसा। तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती, क्या करेगा, सारे बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा। बिस्मत और हाइड्रोजन में हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, तो यहाँ हाइड्रोजन ही बिस्मत के इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, समझ लो अंतर। अब यहाँ नाइट्रोजन हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन पेयर को, मतलब कि बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को जो अपनी ओर खींच रहा है, तो इस केस में जो यहाँ लोन पेयर है इसका अवेलेबिलिटी उपलब्धता बढ़ेगा कि घटेगा, ऑब्वियसली बढ़ जाएगा। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है कि बिस्मत का इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन ले रहा है, तो एक तो बिस्मत के पास खुद इलेक्ट्रॉन कम हो जा रहा है, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन कौन ले रहा है, हाइड्रोजन। तो यह अपने इस इलेक्ट्रॉन पेयर को किसी को भला क्यों डोनेट करना चाहेगा, जो खुद जिसको पैसे की ज़रूरत है वह दान क्यों करेगा। दान तो वो करता है जिसके पास पैसा अधिक होता है, अधिक मैंने जरूरत से ज़्यादा होता है। तो इसके पास जरूरत से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन पेयर है, एक तो लोन पेयर है, ऊपर से इलेक्ट्रॉन पेयर खींच भी रहा है बॉन्ड वाला, तो इसके चलते इस लोन पेयर का अवेलेबिलिटी बढ़ेगा, तो इलेक्ट्रॉन टेंडेंसी बढ़ जाएगा। और यहाँ है कि बिस्मत का इलेक्ट्रॉन जो हाइड्रोजन ले ले रहा है, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी हो जाएगा ना, और जब इसके पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी हो जाएगा तो फिर यह क्यों अपना इलेक्ट्रॉन पेयर किसी को डोनेट करना चाहेगा, खुद सोचो आप। तो एक तो फैक्टर ये हो गया कि बाकी हाइड्राइड्स में क्या है,
हाइड्रोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वह बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन को खींच के सेंट्रल एटम को इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर का बना दे रहा है। इस पर चार्ज आ जाएगा यहाँ पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, जबकि यहाँ नाइट्रोजन पे नेगेटिव हाइड्रोजन पे पॉजिटिव। नेगेटिव बता रहा है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, पॉजिटिव बता रहा है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है तो इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करना चाहेगा। या दूसरा एक्सप्लेनेशन ऐसे भी समझ सकते हो कि बिस्मथ का जो इलेक्ट्रॉन है एस ऑर्बिटल में है, ESP3 में है, एस ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं होता है क्योंकि एस ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के नज़दीक होता है, ज़्यादा अट्रैक्शन फील करता है, जबकि sp3 वाला इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट हो सकता है, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतना ज़्यादा नहीं होता है, लोन पेयर वाला ऑर्बिटल। इसको आप अच्छे से ध्यान में रखोगे एकदम। तो डाउन दी ग्रुप जाने से एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घट रहा है सेंट्रल एटम का, जब सेंट्रल एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटेगा तो इस पर जो लोन पेयर का अवेलेबिलिटी है वो डिक्रीज करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी घटेगा, तो फाइनली उसका बेसिक कैरेक्टर भी क्या होगा, घट जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप नंबर वन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम डिक्रीजेज। तो उससे क्या हुआ, उससे हुआ कि अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर ऑन सेंट्रल एटम डिक्रीजेज। उससे क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेटिंग टेंडेंसी डिक्रीजेज, और इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेटिंग टेंडेंसी घटेगा तो बेसिक स्ट्रेंथ भी क्या होगा, घटेगा। तो बड़ा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, ये सारे हाइड्राइड्स को बेसिक स्ट्रेंथ के आधार पे अरेंज करने बोलता है, चाहे इंक्रीजिंग ऑर्डर हो चाहे डिक्रीजिंग ऑर्डर हो। तो यदि एक्सप्लेनेशन आप समझ गए तो अरेंज करने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। नाइट्रोजन NH3 विल बी द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस एंड BiS3 विल बी द वीकेस्ट बेस। तो इस बेसिक स्ट्रेंथ को आप समझ गए। अब आता है स्ट्रक्चर देखे, बॉन्ड एंगल देखे, बेसिक स्ट्रेंथ भी देखे। अब हम लोग थर्मल स्टेबिलिटी की बात करेंगे। थर्मल स्टेबिलिटी कहने का मतलब कि हीट करने के बाद वह हाइड्राइड कितना स्टेबल है। थर्मल स्टेबिलिटी थर्मल मतलब हीट, तो हीट करने के बाद वह हाइड्राइड कितना स्टेबल है वो देखते हैं। तो जैसे मान लो कि यह अमोनिया है, अमोनिया को बहुत ज़्यादा हीट करोगे तो यह टूट जाएगा N2 और H2 में। मतलब क्या होगा कि जो नाइट्रोजन हाइड्रोजन के बीच बॉन्ड है यह बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा, और यह बॉन्ड जितना आसानी से ब्रेक कर रहा है इसका मतलब हुआ कि वह उतना ही अनस्टेबल है, थर्मली अनस्टेबल है। और बॉन्ड यदि आसानी से ब्रेक नहीं कर रहा है तो थर्मली स्टेबल है। अब यह बॉन्ड आसानी से ब्रेक कब करेगा, जब कमज़ोर हो, और बॉन्ड कमज़ोर कब होगा, जब लंबा हो। तो आप कंपेयर कर दो ना, NH3 PH3 ASH3 SBH3 और BiS3, बस बॉन्ड को कंपेयर करो आप, NH बॉन्ड PH बॉन्ड ASH बॉन्ड SBH बॉन्ड और BiH बॉन्ड। क्या ऑब्जर्व कर रहे हो, डाउन द ग्रुप जाने से सेंट्रल एटम का साइज बढ़ रहा है, नाइट्रोजन से बड़ा फास्फोरस, फास्फोरस से बड़ा आर्सेनिक, आर्सेनिक से बड़ा एंटीमनी, और एंटीमनी से बड़ा कौन, बिस्मथ। तो डाउन द ग्रुप जाने से सेंट्रल एटम का साइज बढ़ रहा है, और जब सेंट्रल एटम का साइज बढ़ेगा तो देखो बॉन्ड का लंबाई भी बढ़ रहा है, और जब बॉन्ड का लंबाई बढ़ रहा है तो मजबूती घटेगा, और बॉन्ड का मजबूती घटेगा तो थर्मल स्टेबिलिटी घटेगा। मतलब ये जो बिस्मथ का हाइड्राइड है वह थोड़ा सा हीट में ही टूट जाएगा, जबकि NH3 का हाइड्राइड बहुत ज़्यादा हीट करने पर भी नहीं टूटेगा क्योंकि यह थर्मली मोस्ट स्टेबल हुआ। तो ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप द थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड्स डिक्रीजेज ड्यू टू द इंक्रीज ऑफ बॉन्ड लेंथ और डिक्रीज ऑफ बॉन्ड स्ट्रेंथ। तो यदि आ जाए कि सब में सबसे ज़्यादा थर्मली स्टेबल कौन हुआ तो NH3, और सबसे कम कौन तो BiS3। रीजन क्या है समझ गए हम लोग। सेम एक्सप्लेनेशन हम लोग देंगे
जैसा थर्मल स्टेबिलिटी के लिए दिए, सेम एक्सप्लेनेशन हम लोग देंगे किसके लिए, रिड्यूसिंग कैरेक्टर के लिए, रिड्यूसिंग कैरेक्टर के लिए। रिड्यूसिंग कैरेक्टर इसके लिए जितने भी हाइड्राइड्स जो हैं, हाइड्राइड्स एक काम करते हैं रिड्यूसिंग एजेंट का, बाय डोनेटिंग हाइड्राइड आयन। रिड्यूसिंग एजेंट मतलब जो दूसरे को रिड्यूस करे, तो दूसरे को रिड्यूस कैसे करेगा, हाइड्रोजन डोनेट करके, और हाइड्रोजन कैसे देगा, तो इन द फॉर्म ऑफ हाइड्राइड, इन द फॉर्म ऑफ हाइड्राइड। जैसे अब एक रिएक्शन लिखो, 3CuO प्लस 2NH3 मिल करके बनता है 3Cu प्लस N2 प्लस 3H2, ऐसा एक रिएक्शन है कि जो क्यूपरस ऑक्साइड है, जब अमोनिया के साथ उसको आप ट्रीट करवाओगे तो क्यूपरस ऑक्साइड रिड्यूस हो जाता है कॉपर में, NH3 ऑक्सीडाइज हो जाता है नाइट्रोजन में। कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ प्लस 2, नाइट्रोजन का यहाँ -3, कॉपर का हो गया 0, नाइट्रोजन का भी हो गया 0, हाइड्रोजन का ऑक्सीजन का चेंज नहीं किया, +1 -2, तो यहाँ भी +1 और -2। तो यदि इस कॉपर की बात करें हम लोग, तो दो बात हो रहा है कि एक कॉपर के साथ से ऑक्सीजन हट रहा है, नहीं, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, और दूसरा क्या हो रहा है, डिक्रीज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। CuO से Cu की ओर जा रहे हैं, तो कॉपर के साथ से ऑक्सीजन हट रहा है और साथ ही साथ कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है। तो इन दोनों कारणों से इसको हम लोग बोलेंगे कि रिडक्शन हो रहा है। NH3 में देखो तो यहाँ भी दो बात हुआ, क्या क्या हो रहा है, दोनों बात, नंबर वन रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, देखो यहाँ NH3 में हाइड्रोजन वहाँ गायब हो गया, या दूसरा इंक्रीज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, -3 से 0 हो गया, तो यह दोनों फैक्टर क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन। तो जब आप NH3 को CuO से ट्रीट करवाए तो NH3 खुद ऑक्सीडाइज कर गया N2 में, लेकिन CuO को रिड्यूस कर दिया Cu में, दैट्स वाई इट इज कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। तो जो हाइड्राइड्स हैं वे रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेंगे, वे अपना हाइड्रोजन डोनेट कर देंगे दूसरे को और उसको रिड्यूस कर देंगे। तो यह रिड्यूसिंग एजेंट क्यों है, क्योंकि यह अपना हाइड्रोजन दे रहा है। तो हाइड्रोजन देने का टेंडेंसी जितना ज़्यादा होगा उतना स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा। और हाइड्रोजन कब देगा, हाइड्रोजन कब देगा, NH3 है तो यह हाइड्रोजन कब देगा, जब यह बॉन्ड टूटेगा तभी तो। अब बॉन्ड जितना आसानी से टूटे उतना जल्दी हाइड्रोजन देगा, उतना जल्दी किसी को रिड्यूस करेगा, और रिड्यूसिंग पावर इसका उतना ही अधिक होगा, उतना ही ज़्यादा होगा। अभी बॉन्ड आसानी से भाई कब टूटेगा, जब कमज़ोर होगा, कमज़ोर होगा मतलब लंबा होगा। तो अभी तो इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग दिए कि डाउन द ग्रुप जाने से NH3 PH3 ASH3 SbS3 और BiS3, ऐसा डाउन द ग्रुप जाने से सेंट्रल एटम का साइज बढ़ा, तो एटम और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड का लंबाई बढ़ा, मजबूती घट गया, जल्दी टूटेगा, हाइड्रोजन देने का टेंडेंसी बढ़ेगा, तो इसका रिड्यूसिंग पावर भी बढ़ेगा। तो डाउन द ग्रुप जाने से क्या हुआ, रिड्यूसिंग पावर इंक्रीजेज। तो ऐसे आएगा कि सब में सबसे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट कौन हुआ, तो BiS3। सबसे वीक रिड्यूसिंग एजेंट कौन हुआ, तो NH3 हुआ। समझ गए, तो यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखोगे। और एक लास्ट सॉल्युबिलिटी, हाइड्राइड्स के सॉल्युबिलिटी की यदि हम लोग बात करें, सॉल्युबिलिटी की, तो अमोनिया इज द ओनली हाइड्राइड ऑफ ग्रुप 15 विच इज सॉल्युबल इन वाटर। अमोनिया इज द ओनली हाइड्राइड ऑफ ग्रुप 15 विच इज सॉल्युबल इन वाटर।
अब वाटर में सॉल्युबल होने का कंडीशन हम लोग जानते हैं, और क्या कंडीशन है उसका, वाटर में सॉल्युबल होने का क्या कंडीशन है कि पहला तो वह पोलर नेचर का हो, और दूसरा कि वाटर के साथ क्या बनाता हो, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता हो। तो NH3 इज द ओनली हाइड्राइड ऑफ ग्रुप 15 विच इज सॉल्युबल इन वाटर। क्यों? ड्यू टू पोलर नेचर एंड टेंडेंसी टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड। वाटर में वही घुलता है जो या तो पोलर हो और साथ ही साथ वाटर मॉलिक्यूल के साथ इंटरैक्ट करता हो, आइदर थ्रू आयन डायपोल इंटरैक्शन और हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो जब आप इस अमोनिया को, जो कि नॉर्मली गैस है, इसको आप वाटर में डिजॉल्व करोगे H2O लिक्विड, तो हम लोग लिखते हैं NH3 एक्वस। इसका मतलब क्या हुआ, NH3 एक्वस का मतलब कि अमोनिया के साथ वाटर का मॉलिक्यूल जुड़ा हुआ है। ऐसा ये NH3 है और यहाँ आप वाटर का मॉलिक्यूल दिखाओगे, तो यहाँ डेल माइनस डेल प्लस, बाकी सब पर डेल प्लस। तो यहाँ हाइड्रोजन जो कि पॉजिटिव फॉर्म में है, नाइट्रोजन जो कि नेगेटिवली चार्ज्ड है, ये दोनों के बीच यहाँ इंटरैक्शन होगा और बॉन्ड बनेगा, जिस बॉन्ड को हम लोग बोलेंगे इंटर मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। अच्छा, तो अमोनिया इज द ओनली हाइड्राइड ऑफ ग्रुप 15 विच इज सॉल्युबल इन वाटर ड्यू टू द पोलर नेचर एंड टेंडेंसी टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विथ H2O मॉलिक्यूल्स। अदर हाइड्राइड्स ऑफ दिस ग्रुप आर इनसॉल्युबल इन वाटर बिकॉज दे डू नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विथ H2O मॉलिक्यूल्स एंड ऑल्सो दे आर नॉट मच पोलर या एज नॉट पोलर लाइक अमोनिया। अब जो वाटर में डिजॉल्व नहीं करता उसको आप कोई इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट में घोलो या कोई ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिजॉल्व करो तो उसमें डिजॉल्व कर जाएगा। तो ये भी याद रखना कि व्हाई अमोनिया इज सॉल्युबल इन वाटर, तो ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। इस बात को आप याद रखोगे। तो इस तरह से हाइड्राइड्स का स्ट्रक्चर में हम लोग देखे अमोनिया का ट्राइगोनल पिरामिडल, बाकी का स्ट्रक्चर फिक्स नहीं है, वो धीरे धीरे चेंज करते रहता है। NH3 में हाइब्रिडाइजेशन है, बाकी में नहीं है, वे सभी ड्रैगो मॉलिक्यूल्स कहलाएंगे। उसके बाद हाइड्राइड्स का हम लोग क्या क्या देखे, बॉन्ड एंगल, डाउन द ग्रुप जाने से बॉन्ड एंगल घटेगा। उसके बाद हम लोग क्या देखे, थर्मल स्टेबिलिटी, डाउन द ग्रुप जाने से थर्मल स्टेबिलिटी भी घटेगा। रिड्यूसिंग पावर, तो डाउन द ग्रुप जाने से रिड्यूसिंग पावर क्या होगा, बढ़ेगा। सॉल्युबिलिटी में देखे कि अमोनिया वाटर में सॉल्युबल है, बाकी हाइड्राइड वाटर में सॉल्युबल नहीं है। तो इस तरह से यहाँ हाइड्राइड्स समाप्त हुआ, और यह ऐसा टॉपिक है जो हर ग्रुप में है और एग्जामिनेशन में इस हाइड्राइड से क्वेश्चन रहता है, चाहे उसका थर्मल स्टेबिलिटी पूछे, रिड्यूसिंग पावर पूछे, बेसिक स्ट्रेंथ पूछे, बॉन्ड एंगल पूछे, यह सब। तो इसको अच्छे से आप लोग समझ करके रखोगे, काफ़ी डिटेल में नोट्स में लिखा हुआ है, हम बताए भी। तो आज इस लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास से। धन्यवाद।